बुरहानपुर में 4 साल पहले सांची पॉइंट के लिए एक दिव्यांग युवक ने शासन की योजना के तहत 1 लाख का लोन लिया। युवक ने लोन चुकाया भी, लेकिन 4 साल बाद बैंक ने युवक को नोटिस दिया कि लोन के ब्याज के 30,000 रुपए उस पर बकाया है, जिसके बाद युवक सकते में आ गया। युवक ने कलेक्टर कार्यालय में इसकी शिकायत की। युवक का कहना है कि उसने योजना के तहत लोन लिया था, लेकिन उस पर ब्याज भी देना है और बैंक ने ये पहले नहीं बताया। जो कि उनके दौरान नोटबंदी हो गया था, मैंने पूरा का पूरा पैसा बैंक को रिटर्न कर दिया था। अभी प्रॉब्लम ये आ गई कि बैंक ने नोटिस जारी किया है कि 32,000 रुपये ब्याज का आपका बाकी है करके। कभी बताया नहीं गया था, मैं 90 दिन का पैसा वापस कर दिया था और 4 साल के अंदर कभी भी नोटिस नहीं आया। मैं अगर बैंक ने अभी जो भी लोन लिया है 1 लाख का लोन लिया है और कितने समय में उसने पैसा जमा कर दिया है, तो उसका स्टेटमेंट से अपने को पूरी जानकारी से प्राप्त हो जाएगी, जिसमें क्या क्या चार्जेस लगे, क्या ब्याज लगा है, नहीं लगा है, कितने पैसे जमा करे हैं, कब करे हैं, तो उस लोन के स्टेटमेंट से जानकारी अपने को मिल जाएगी। उससे पता चलेगा कि वास्तविकता जो उधारकर्ता से कह रहा है या बैंक उससे